नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स टाउन भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो देश और दुनिया की हर वो खबर आप तक पहुंचाएंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है। क्या क्या देश में हुआ, आज की कौन सी बड़ी खबर होगी, वो एक घंटे के अंदर हम पहुंचाएंगे। यानी इस बुलेटिन को आपने देख लिया, हर रोज की तरह आपको अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही इंटरनेट पर खबरों को खंगालने की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देश दुनिया पॉलिटिक्स एंटरटेनमेंट सब कुछ हम आपको बताएंगे अपने इस बुलेटिन में। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दीपिका, सबसे पहले बात कर लेते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जो हिंसा की आग में झुलस रहा है। क्योंकि कल जैसे ही पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद पाकिस्तान की आवाम आर्मी के खिलाफ सड़कों पर उतर आई। हर तरफ हिंसा, हर तरफ आगजनी देखने को मिली और हालात पाकिस्तान में इतने बेकाबू हो गए कि बावजूद इसके तमाम सख्ती थी, फिर भी प्रदर्शनकारी सड़क पर डटे रहे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी क्या हुई, पाकिस्तान में बवाल मच गया। इस्लामाबाद से लेकर लाहौर, रावलपिंडी से लेकर कराची तक गृह युद्ध जैसे हालात छिड़ गए हैं। पीटीआई कार्यकर्ताओं का उग्र प्रदर्शन, जगह जगह पथराव, आगजनी, हर तरफ सेना के खिलाफ संग्राम छिड़ा है। लोग इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। इमरान की गिरफ्तारी के बाद लाहौर जल उठा। इमरान समर्थक ने सेना के कोर कमांडर के घर पर हमला बोल उसे आग के हवाले कर दिया। देखिए सेना के एक प्रमुख अधिकारी का घर किस कदर धू-धू कर जल रहा है। इमरान समर्थक यहां भी नहीं रुके, वो जगह जगह हिंसक प्रदर्शन करने पर उतारू नजर आ रहे हैं। जगह जगह जबरदस्त हिंसा छिड़ी है। सड़कों पर उतरे इमरान समर्थक तोड़फोड़ कर रहे हैं, बैरिकेडिंग तोड़ सरकारी संस्थानों पर हमला कर रहे हैं। लाठी डंडे से लैस पीटीआई के कार्यकर्ता जबरदस्त होड़दंग मचा रहे हैं। ये देख ले, कहा था इमरान खान को ना छेड़ना। सर आपको कहा था इमरान खान को ना छेड़ना। और इस हिंसा को रोकने के लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ नहीं किया गया, सारे उपाय किए गए। धारा 144 लागू की गई, स्कूल कॉलेज बंद किए गए, इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया गया, लेकिन बावजूद इसके हिंसा को रोका नहीं जा सका। और दरअसल देखिए, भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद गद्दी छोड़नी पड़ी थी इमरान खान को, लेकिन पाकिस्तान में आर्मी की जो डिक्टेटरशिप है वो नई बात नहीं है, ये हमेशा से चली आ रही है। लेकिन अब आवाम का गुस्सा आर्मी के खिलाफ भड़क उठा है और कल जो प्रदर्शन हिंसा नजर आई उसमें महिलाएं भी बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट करती हुई दिखाई पड़ी। एयरबेस पर अटैक, गवर्नर हाउस को फूंका, सेना मुख्यालय पर हमला। पाकिस्तान में दोपहर बाद शुरू हुई हिंसा पूरी रात जारी रही। प्रदर्शनकारी रात भर सड़कों पर जमे रहे, सेना के खिलाफ बवाल काटते रहे और आर्मी की कई गाड़ियों में आग लगा दी। पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से ही पूरा पाकिस्तान हिंसा की आग में जल रहा है। सड़कों पर उतरने वाले लोगों में पाकिस्तान की महिलाएं भी हैं, जो अपने नवजात के साथ प्रदर्शन में शरीक होकर इमरान की गिरफ्तारी का विरोध कर रही हैं। पाकिस्तान में हालात बेकाबू हो गए हैं, जिसे देखते हुए सरकार ने पूरे देश में धारा 144 लागू कर दी है। ज्यादातर शहरों में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई है। उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। पाकिस्तान में मचे कोहराम के बीच इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेताओं की गिरफ्तारी भी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद में पीटीआई के कई नेताओं को गिरफ्तार या फिर नजरबंद कर दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी इस वक्त हाउस अरेस्ट हैं, जबकि फवाद चौधरी के घर के बाहर भी पुलिस तैनात कर दी गई है। तो पीटीआई समर्थकों के साथ पाक की जो आवाम है वो भी प्रदर्शनकारियों की भीड़ में शामिल है और यही वजह है कि हालात और ज्यादा ना बिगड़े इंटरनेट बंद कर दिया गया है, स्कूल कॉलेज बंद कर दिया गया। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं। यानी कि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए हर मुमकिन प्रयास किया गया कि वो लोग उपद्रव ना मचा पाए, हिंसा ना कर पाए, तोड़फोड़ ना कर पाए, आगजनी ना कर पाए, लेकिन वो सब कुछ कल पाकिस्तान में देखने को मिला। ये पाकिस्तान है जहाँ न कानून का राज है न सरकार का शासन। यहाँ की आर्मी तानाशाह है और यहाँ सेना का रूल ही चलता है। इमरान खान केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ।
पाकिस्तान के अंदर पहली तो बात ये कि कोई ऑर्डर रहता नहीं है। आप प्रधानमंत्री हों या पूर्व प्रधानमंत्री हों, प्रधानमंत्री को हटा दिया जाता है, सत्ता जेल भेज दिया जाता है, बाद में फांसी दे दी जाती है, सब कुछ वहाँ पे हो जाता है। और दूसरे कोई कानून व्यवस्था वहाँ नज़र नहीं आती। कोर्ट के अंदर से इनको अरेस्ट किया, पहली बात तो ये कि ये वहाँ गए थे, चीफ जस्टिस वहाँ के चिल्ला रहे हैं कि अब हमें एक्सप्लेन कीजिए, 15 मिनट के अंदर कोई जवाब भी नहीं मिला अभी तक। तो पूर्व पीएम की गिरफ्तारी की तस्वीर हैरान करने वाली है। देखिए, सेना के जवान सबसे पहले एडवोकेट चेंबर पर हमला करते हैं। दरवाजे से अंदर आने के बजाय खिड़की में लगी कांच को हथियार के बट से तोड़ डालते हैं। इस दौरान वहां मौजूद वकील पाकिस्तानी रेंजर्स की इस करतूत का विरोध भी करते नजर आए, लेकिन तानाशाह सेना इस विद्रोह को दबाती आगे बढ़ती है और सीधे इमरान के गिरेबान को पकड़कर पूर्व पीएम को गिरफ्तार कर लेती है। आगे की तस्वीर और भी हैरान करने वाली है। पूर्व पीएम के साथ पाक सेनाओं ने कैसा सलूक किया, देखकर आप दंग रह जाएंगे। गिरफ्तारी के बाद पाक रेंजर्स इमरान खान को घसीटती नजर आई। देखिए, सेना के जवानों ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को चारों तरफ से घेर रखा है। कोई इमरान के हाथ को पकड़कर उन्हें घसीट रहा है, तो कोई इमरान का कॉलर पकड़े धक्के दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि इमरान को जिस तरह गिरफ्तार किया गया, उस वजह से पूर्व पीएम के चेहरे, आंख और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। तो जिस तरीके से इमरान खान की गिरफ्तारी हुई, वो वाकई में बहुत ही हैरान कर देने वाली तस्वीर पाकिस्तान से सामने आई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान में इमरान खान की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई और उसके बाद जो हिंसा हुई, उसका असर हमारे देश में क्या पड़ेगा? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो ये पूरी साजिश रची गई है इमरान खान के खिलाफ, हो सकता है कि इसके जरिए या इसके पीछे जो साजिश ये भी हो कि भारतीय सीमा है वहां पर एक नया वॉर फ्रंट खोलने की भी तैयारी हो। आप सोच रहे होंगे ये कैसे संभव है, तो चलिए इस रिपोर्ट में आप समझ लीजिए। पाकिस्तान में इमरान खान के गिरफ्तारी के बाद हालात बेकाबू हैं। शहर दर शहर आग लगी है। इमरान समर्थक सड़कों पर उतरकर जबरदस्त हिंसा कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान में हर पल बदलते हालात पर हिंदुस्तान की पैनी नजर है। पाकिस्तान में छिड़े गृह युद्ध के चलते वहां की सेना लोगों के निशाने पर है। अगर ऐसे में पाकिस्तान के हालात जल्द से जल्द नहीं सुधरे, तो इसका असर भारत में भी देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की आवाम को मुद्दों से भटकाने के लिए पाक आर्मी इंडिया के खिलाफ ब्लेम गेम की तैयारी में है। इसके लिए पाक सेना LOC पर नया फ्रंट खोल सकती है, जिसे देखते हुए भारत की तीनों सेना को हाई अलर्ट कर दिया गया है। पंजाब बॉर्डर पर खास चौकसी बरती जा रही है। BSF की गश्त बढ़ा दी गई है। इस बीच यूरोपीय संघ ने भी पाक आर्मी को नसीहत देते हुए कहा है कि पाकिस्तान कठिन और तनावपूर्ण समय से गुजर रहा है, ऐसे में संयमित रहने की जरूरत है। और इस बीच आपको ये भी याद दिला दें कि 7:50 पर आप जरूर देखिए बदले की कहानी, भावना की जुबानी, जिसमें वो सच्चाई आपके सामने आएगी जो आपके आंखों पर से पर्दा हटा देगी और आप भी समझ जाएंगे कि इस पूरी साजिश के पीछे सरजी किस तरीके से खुद मौजूद थे। जी हाँ, और देश जरूर देखेगा भावना आज जो सच बताने जा रही है। आप जरूर टाइम्स ऑन भारत पर देखें। लेकिन हम खबर आपको बताते हैं, क्योंकि प्रयागराज में जिस तरीके से अतीक और अशरफ की हत्या हुई है, उसके बाद कई बड़ी साजिशों का खुलासा हो रहा है। दंगे की साजिश रची गई थी, इस बात का भी खुलासा हुआ है। दरअसल अतीक का अतीत अब कई लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है और इसीलिए CBI में डिप्टी SP अमित कुमार पर भी अब कानूनी शिकंजा कस रहा है और आरोप ये है कि अमित कुमार ने अतीक अहमद की मदद की थी। वाराणसी से पकड़े गए PFI के दो सदस्य रईस और परवेज ने बड़ा खुलासा किया है। ATS की पूछताछ में बताया है कि माफिया ब्रदर्स शूट आउट के बाद मुसलमानों को भड़काने की प्लानिंग की गई थी। मुस्लिम इलाकों में युवाओं को भड़काने में जुटा था रईस और परवेज। दोनों ने इलाके में न केवल इससे जुड़े पर्चे बांटे, बल्कि UP में दंगे की प्लानिंग भी की थी। पकड़े गए रईस और परवेज ने इस बात को कबूल किया है कि अतीक और अशरफ की हत्या के बाद वो मुस्लिम इलाकों में इस्लाम को खतरा बताकर लोगों का माइंड वॉश कर रहे थे, लोगों को भड़का रहे थे और उनके निशाने पे खास तौर से युवा थे, वो युवा जो माफिया ब्रदर्स की हत्या के बाद बेहद गुस्से में थे। इस बीच माफिया अतीक की मदद करने के आरोप में CBI में DPSP अमित कुमार पर कानूनी शिकंजा भी कसा जा सकता है। सूत्रों से मिली पुख्ता जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले में जांच एजेंसी CBI से जवाब तलब किया है। CBI की एक जांच टीम
प्रयागराज पहुंचकर दस्तावेजों को खंगाल रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि सीबीआई के जांच के अधिकारी के तौर पर डिप्टी एसपी अमित कुमार ने उमेश पाल को बीएसपी विधायक की हत्या के मामले में गवाह नहीं माना था। इस केस की विवेचना नहीं किया था, इसके बावजूद इन्होंने कहा कि उमेश पाल का अपहरण नहीं हुआ था और बचाव पक्ष का यही प्ली था शुरू से कि उमेश पाल का अपहरण नहीं हुआ था। इन सब के बीच माफिया अतीक अहमद के बहनोई डॉक्टर अखलाक को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि डॉक्टर अखलाक ने न केवल बमबाज गुड्डू मुस्लिम की आर्थिक तौर पर मदद की थी बल्कि अतीक के बेटे असद की भी मदद की। पता चला है कि जहां गुड्डू मुस्लिम को 50,000 रुपए दिए गए थे तो वहीं असद के पास आम स्मगलर के जरिए 1.5 लाख रुपए भिजवाए थे। तो एक तरफ अतीक अहमद पर जो खुलासे अब सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं, तो दूसरी तरफ अतीक अहमद की बेगम शाइस्ता परवीन अभी भी पुलिस के शिकंजे से बाहर है और एसटीएफ की टीम 50,000 की नामी शाइस्ता की तलाश में जगह जगह सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। और इसी बीच अतीक अहमद का जो दूसरा बेटा है अली, उसको लेकर वो भी एसआईटी की रडार पर अब आ चुका है, उससे भी पूछताछ टीम करने वाली है क्योंकि उमेश पाल हत्याकार की जो शूटर्स थे, खबर ये है कि अली ने उनसे मुलाकात की थी, यानी कि अतीक अहमद का पूरा परिवार इस हत्या में शामिल था। माफिया अतीक की बीवी लेडी डॉन शाइस्ता परवीन अभी भी एसटीएफ के लिए पहेली बनी हुई है। शाइस्ता की तलाश में एसटीएफ ने जांच तेज कर दी है, इसी के तहत खुल्लाबाद इलाके में लगे कैमरों को एसटीएफ खंगाल रही है। अब तक 50 से अधिक कैमरों को खंगाल चुकी है एसटीएफ, साथ ही 30 कैमरों के डीवीआर को कब्जे में ले लिया है। पता चला है कि 16 अप्रैल को खुल्लाबाद में रुकी थी शाइस्ता, हालांकि 17 अप्रैल को वो किस रास्ते से किधर निकली इसकी तलाश में जुटी है एसटीएफ। 16 अप्रैल को वो तारीख थी जब शाइस्ता परवीन 5 लाख रुपए के इनामी शूटर साबिर के साथ प्रयागराज में पहुंची थी और इस दौरान वो खुल्लाबाद के इसी इलाके में उसने शरण ले रखी थी। आपको वो उस घर की भी हम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये दुकान है और इस दुकान के ठीक ऊपर जो आप मकान देख रहे हैं, इसी मकान में शाइस्ता परवीन अपने साथ शूटर साबिर के साथ शरण ली हुई थी। हालांकि उसकी कोशिश थी कि वो अपने पति अतीक अहमद के जनाजे में पहुंचे लेकिन वो जनाजे में नहीं पहुंच पाई थी। एक तरफ शाइस्ता की तलाश तेज है तो दूसरी ओर अतीक का दूसरा बेटा अली भी एसआईटी के रडार पर है। उमेश पाल हत्याकांड में एसआईटी ने अली की भूमिका की भी जांच तेज कर दी है। इस बारे में एसआईटी अली अहमद से पूछताछ कर सकती है। पता चला है कि हत्याकांड में शामिल शूटरों ने अली से मुलाकात की थी। इस खुलासे के बाद एफआईआर में अली का नाम भी दर्ज हो सकता है। जेल में अतीक अहमद का दूसरा बेटा अली यहां पर बंद है, लिहाजा पुलिस और एसआईटी की जो टीम है वो अब उसने जो तफ्तीश का दायरा है वो बढ़ा लिया है और इसके पीछे की वजह है, वजह ये है, बताया ये जा रहा है कि जो शूटआउट में शामिल जो शूटर थे मसलन गुलाम, इसके साथ ही गुड्डू मुस्लिम और साबिर ने यहां पर अली अहमद से कई दफे मुलाकात की है। ये मुलाकात कब हुई है, किस टाइम पे हुई है और इसके अलावा उसमें और कौन लोग शामिल थे, इस बात की जांच के लिए अब जो एसआईटी की टीम है वो अली अहमद से पूछताछ कर सकती है। तो अतीक के परिवार पर शिकंजा कसने वाला है, आने वाले दिन उस परिवार के लिए मुश्किल भरे होने वाले हैं। और साथ ही केरला फाइल की बात करें, केरला स्टोरी मूवी को लेकर के भी विवाद थमता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा। तो एक तरफ द केरला स्टोरी को पश्चिम बंगाल में बैन कर दिया गया है तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इसको टैक्स फ्री कर दिया गया है और खबर ऐसी है कि महाराष्ट्र में भी फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। फिल्म द केरल स्टोरी को बैन करने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। निर्माता ने पश्चिम बंगाल में फिल्म पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। माना जा रहा है कि आज इस मामले पर सुनवाई हो सकती है। बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिल्म द केरला स्टोरी के प्रदर्शन पर तत्काल रोक लगाने का सोमवार को आदेश दिया था। बंगाल सरकार की तरफ से कहा गया था कि सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है कि राज्य में नफरत और हिंसा की किसी भी घटना को टाला जा सके। इसके पहले तमिलनाडु में थिएटर मालिकों ने यह तय किया था कि वो इस फिल्म को राज्य में नहीं दिखाएंगे। द केरला स्टोरी फिल्म के निर्माता ने सुप्रीम कोर्ट से ये भी मांग की है कि तमिलनाडु सरकार फिल्म दिखाने के लिए तमिलनाडु के सिनेमाघरों को सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दे। बता दें कि द केरल स्टोरी पर जहां पश्चिम बंगाल में बैन लगाया गया है तो वहीं देश के कई राज्य ऐसे भी हैं जहां इस फिल्म को टैक्स फ्री भी किया गया है। इस फिल्म को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री पहले ही किया जा चुका है। इस बीच दावा किया जा रहा है कि जल्द ही महाराष्ट्र सरकार भी इस फिल्म को राज्य में
टैक्स फ्री करने का फैसला ले सकती है। कल ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सिनेमा हॉल में जाकर इस फिल्म को देखा था। लोग जागरूक भी होंगे, ये केवल एक सिनेमा नहीं है तो एक जागरण की मुहिम है, ऐसा मैं मानता हूँ। एक तरफ फिल्म द केरल स्टोरी पर आज सुप्रीम सुनवाई भी होनी है, और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि मोदी मंत्रिमंडल के कई बड़े मंत्रियों और साथ ही कई मुख्यमंत्रियों ने इस फिल्म को देख लिया है और देखने की तैयारी भी है, और इसके अलावा बीजेपी इस फिल्म का पुरजोर समर्थन करती हुई नजर आ रही है और काफी इस मूवी को पसंद भी किया जा रहा है। और बीजेपी का यही रुख, विपक्ष को रास नहीं आ रहा और विपक्ष इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी को जबरदस्त तरीके से घेर रहा है, निशाना उस पर साध रहा है। यानी कि केरला स्टोरी अब किस तरीके से सियासी अगाड़ा बन चुकी है, हर कोई इस पर निशाना साध रहा है। आप भी देखिए ताजा अपडेट। फिल्म आतंक और आतंकवादियों के खिलाफ है। अगर आपने इस फिल्म को अपने प्रदेश में प्रदर्शित करने से रोका है तो आप देश को यह संकेत और संदेश दे रहे हो कि आप आतंक के समर्थक हो। ये तो काल्पनिक कथा थी, कल्पना शक्ति के ऊपर एक पिक्चर निकाल के उसमें उस पे दूसरे देश में दंगा हो, ये जो प्रयास कुछ पार्टियां कर रही हैं। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को हाथी बड़कला के सेंट्रियो मॉल में परिवार के साथ द केरला स्टोरी फिल्म देखी। फिल्म देखने के बाद उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर सच्चाई को दबाना चाहते हैं। इस फिल्म को लेकर कई जगहों पर बीजेपी और उसके विरोधी दल आमने सामने हैं। सभी को देखना चाहिए और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो सच्चाई को लोगों के सामने नहीं आने देना चाहते। ये देखकर कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से मैं कहूँ कि बिना किसी हथियारों के एक बड़ा जिहाद आतंकवाद भारत के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर बढ़ाया जा रहा है। विश्व की सबसे शक्तिशाली पार्टी के लिए क्या इससे बुरा दिन कोई हो सकता है कि उसे एक प्रोपेगेंडा फिल्म पर अपनी पूरी कैंपेन करनी पड़े। नरेंद्र मोदी जी के पास अब कोई मुद्दा बचा। और केरला स्टोरी को लेकर के सियासत काफी तेज है। अब टॉप खबरों के बाद आपको दिखाते हैं टॉप वायरल वीडियोस। आपको दिखाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दिग्गज क्रिकेटरों का लेडीज अवतार, जिनकी तस्वीरें देखकर आपके चेहरे पर भी सुबह सुबह मुस्कान आ जाएगी। इसके अलावा और क्या कुछ वायरल है दो मिनट में। दिग्गज भारतीय क्रिकेटरों का ये फीमेल AI वर्जन सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंडिंग है। इस फीमेल वर्जन वाले फोटोज में धोनी और कोहली मुख्य रूप से हैं। यही नहीं, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, गौतम गंभीर, युवराज सिंह का जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है। इसके अलावा रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, शिखर धवन और ऋषभ पंत का भी AI तकनीक की मदद से लेडी वर्जन बनाया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे अब इस वीडियो को देखिए, जिसमें दो लड़कियां सपना चौधरी के एक गाने पर जबरदस्त डांस कर रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग तो सबसे ज्यादा इस छोटी बच्ची के मुरीद हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि ये बच्ची सपना से भी बड़ी डांसर बनेगी। इस वीडियो को अब तक हजारों लाइक्स मिल चुके हैं, जबकि कई बार शेयर किया जा चुका है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी काफी धमाल मचा रहा है। जिस स्कीइंग को करने में अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, उस स्कीइंग को ये महिला साड़ी में बड़ी आसानी से कर रही है, जिसे देखने के बाद लोग इस महिला के फैन हो गए हैं। इस वीडियो को अब तक हजारों लाइक्स मिल चुके हैं और काफी बार शेयर किया जा चुका है। इस वीडियो ने भी सोशल मीडिया पर काफी धूम मचा दी है। तस्वीरों में देखिए एक शख्स जो बाइक चला रहा है, उसने भारी भरकम सामान लादने के लिए ऐसा देसी जुगाड़ लगाया कि जिससे लगा कि ये शख्स बैलगाड़ी चला रहा है, जिसको देखकर यूजर्स तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। तो किसी ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से इस पर जुर्माना लगाने की बात कही है। गर्मी से निजात पाने का जो जुगाड़ इस मजदूर ने लगाया वो वाकई में बहुत शानदार है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मजदूर जहां पर काम करने गया था वहां पर पंखा नहीं होने की वजह से आराम नहीं कर पाता था। तब ये मजदूर ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल करते हुए अपनी शर्ट को ही पंखे का रूप दे देता है। इसके बाद वो चैन की नींद सो जाता है। और वायरल वीडियोस के बाद चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव की, जहां भारी उत्साह के साथ आज मतदाता अपनी पसंद की सरकार चुनने के लिए मतदान कर रहे हैं। जी हां, पूरे 244 सीटों के लिए आज वोटिंग होने वाली है और
माना यह जा रहा है कि इस बार चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है, नेक टू नेक फाइट के बीच कर्नाटक में किसकी होगी सरकार, कौन जीतेगा, कौन बनाएगा सरकार, जानने के लिए शाम 6 बजे जरूर देखें टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर एग्जिट पोल नाविका कुमार के साथ। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। इसके साथ ही राज्य की जनता 224 सीटों के लिए अपने नए जनप्रतिनिधियों का चुनाव करेगी। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए काफी कुछ दांव पर लगा है। वोटिंग को लेकर पहले ही सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कुल 2615 उम्मीदवार मैदान में हैं। पूरे राज्य में 58,545 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 5.3 करोड़ से ज्यादा मतदाता मतदान करेंगे। खास बात यह है कि इनमें से 11,70,000 वोटर्स पहली बार मतदान करेंगे। चुनाव के लिए करीब 4,00,000 मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इस चुनाव में बीजेपी से मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार, पूर्व सीएम सिद्धारमैया और जेडीएस प्रमुख एचडी कुमारस्वामी और बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए जगदीश शेट्टार जैसे दिग्गज उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। 13 मई को आज होने वाले चुनाव के नतीजे आएंगे। उसी दिन पता चलेगा कि कर्नाटक की सत्ता का ताज भाजपा बरकरार रख पाती है या कांग्रेस उससे ये ताज छीनने में सफल रहती है, या फिर तीसरी ताकत के रूप में जनता दल इसकी कुंजी अपने पास रखता है। बीजेपी की कोशिश 38 साल के उस मिथक को तोड़ने की है, जिसमें प्रदेश की जनता ने किसी भी सत्ताधारी पार्टी को वापस सत्ता में बिठाने से परहेज किया है। तो कर्नाटक चुनाव को लेकर के हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन टाइम्स नाउ ऑफ भारत न्यूज इंडस्ट्री का एक ऐसा लौता चैनल है जहां पर सटीक भविष्यवाणी चुनाव को लेकर के की जाती है, और इसीलिए आप टाइम्स नाउ ऑफ भारत जरूर आज देखते रहें। और बात अगर चुनाव की हुई है तो यूपी चुनाव की भी बात करते हैं। और चलिए, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए कल दूसरे चरण का मतदान होना है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने पूरा दमखम झोंक रखा है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का चुनावी गणित क्या है। यूपी में दूसरे चरण के निकाय चुनाव का शोर थम चुका है। अब बारी वोटिंग की है, जब प्रदेश के लोग स्थानीय स्तर पर अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। इसके लिए राज्य के 38 जिलों में कल मतदान होंगे। 11 मई को होने वाले चुनाव पर नजर डालें तो दूसरे चरण में 7 नगर निगमों के अलावा 590 नगर निगम वार्ड, 95 नगर पालिका परिषद अध्यक्ष, 2551 वार्ड सदस्य, 256 नगर पंचायत अध्यक्ष और 3495 नगर पंचायत सदस्य पद के लिए मतदान होगा। दूसरे चरण के चुनाव में 1,92,32,004 मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। दूसरी ओर मतदान के लिए आज का दिन भी यूपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज रामपुर के स्वार और मिर्जापुर की 96 सीट पर उप विधानसभा चुनाव के लिए मतदान है। बाय इलेक्शन समाजवादी पार्टी के लिए साख की लड़ाई की तरह है, क्योंकि सपा रामपुर में अपना आखिरी गढ़ बचाने की जद्दोजहद में जुटी है। यूपी की तरह पंजाब के जालंधर लोकसभा सीट पर भी आज उपचुनाव है। ये सीट कांग्रेस सांसद संतोष सिंह चौधरी के निधन के बाद खाली हुई थी। काय चुनाव को लेकर के भी पूरा दमखम सतस, जितने भी पार्टियां सबने झोंक रखा है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी तो इसको बहुत ही गंभीरता से ले रही है, क्योंकि हर नेता की चाहत होती है दीपिका पहले मुखिया, फिर विधायक, फिर मंत्री और उसके बाद मुख्यमंत्री तक का वो सफर तय करें। जी हाँ, लेकिन नीतीश कुमार की बात करें तो उनकी अपनी ही अलग महत्वाकांक्षाएं चलती है। मुख्यमंत्री के बाद अब वो सपना देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी बन जाए, और इसी सिलसिले में अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री से वो मुलाकात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जो सपना देखा उसे पूरा करने के लिए वो जी जान से जुटे हैं। सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री उम्मीदवार बने इसके लिए वो पसीना बहा रहे हैं। तमाम विपक्षी पार्टियों के दर पर जाकर समर्थन का झोला फैला रहे हैं। सालों से बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज रहने के बाद नीतीश कुमार की नज़र पीएम की कुर्सी पर टिकी है। इसी सिलसिले में नीतीश कुमार ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात की, लेकिन इस मुलाकात में पटनायक ने नीतीश को जोरदार झटका दिया है। बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार जब नवीन पटनायक से मिले तो उन्होंने विपक्षी एकता का आलाप करते हुए पटनायक से समर्थन मांगा, लेकिन नवीन पटनायक ने नीतीश की विपक्षी एकता की थियरी को सिरे से नकार दिया।
ऐसे में नीतीश बाबू के चेहरे का रंग उतरा उतरा नजर आ रहा है। हालांकि पटनायक से मिली बेरुखी को छिपाने के लिए नीतीश बाबू अब इस मुलाकात को ओडिशा के पुरी में बिहार भवन बनाने की तैयारियों से जोड़ रहे हैं। ओडिशा में मिली नाकामयाबी के बाद आज सीएम नीतीश कुमार रांची जा सकते हैं, जहां वे सूबे के सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि क्या हेमंत सोरेन नीतीश की दुखती रगों पर मरहम लगाने का काम करते हैं या नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फिट इंडिया की सुपर हिट बुलेटिन में। देखिए, कर्नाटक चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी और यहां पर चुनाव प्रचार खत्म हुआ नहीं कि राजस्थान की तैयारी में अब बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री जुट चुके हैं। तो आज कर्नाटक में एक तरफ विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहा है, तो दूसरी तरफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान जाने वाले हैं, जहां करोड़ों की सौगात वो राजस्थान की जनता को देंगे। कर्नाटक में चुनाव प्रचार क्या खत्म हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान की ओर फोकस करना शुरू कर दिया है। राजस्थान में इसी साल होने वाले चुनाव को देखते हुए बीजेपी मिशन राजस्थान में जुट गई है। एक ओर जहां कर्नाटक में पीएम के तूफानी अभियान के बाद आज प्रदेश में बीजेपी के लिए इम्तिहान का दिन है, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान पहुँचने वाले हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक पीएम मोदी सुबह राजस्थान पहुँचेंगे, जिसके बाद सुबह 11 बजे पीएम मोदी नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर जाएंगे। सुबह 11:45 पर पीएम 5500 से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसके बाद पीएम मोदी उदयपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ब्रह्म बाबू रोड में ब्रह्म कुमारियों के शांतिवन परिसर का भी दौरा करेंगे और सुपर स्पेशलिटी चैरिटेबल ग्लोबल अस्पताल की आधारशिला भी रखेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर पीएम की इस यात्रा को बेहद अहम माना जा रहा है। इस यात्रा के जरिए पीएम मोदी मेवाड़ क्षेत्र को साधने की कोशिश करेंगे। राजस्थान में कहा जाता है कि सत्ता का रास्ता मेवाड़ से ही होकर गुजरता है। तो देश की पॉलिटिकल खबरें तो लगातार हम दीपिका अपने दर्शकों को दिखा रहे, लेकिन सुबह कुछ एंटरटेनमेंट भी तो होना चाहिए। बहुत जरूरी है, क्योंकि एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या कुछ चल रहा है ये आप सोशल मीडिया पर तो देखते ही रहते हैं, लेकिन हमारे इस सेगमेंट में आप खास देखेंगे क्या कुछ चल रहा है बॉलीवुड इंडस्ट्री में 2 मिनट में। एक्टर विद्युत जामवाल की अपकमिंग फिल्म IB71 12 मई को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है, लेकिन उससे पहले फिल्म की कामयाबी के लिए जामवाल ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका, जिसकी तस्वीरें विद्युत ने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। जामवाल इस फिल्म में आईबी अफसर की भूमिका में है और अब फैंस विद्युत की इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो पाकिस्तान और चाइना को ईस्ट में हम रोकेंगे। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी अक्सर अपने वीडियोस के जरिए अपने फैंस को फिटनेस के लिए मोटिवेट करती रहती हैं। शिल्पा ने अपने चाहने वालों को हेल्दी रहने के लिए एक एक्सरसाइज का वीडियो शेयर किया है। शिल्पा जितनी फिटनेस फ्रीक हैं, उतनी ही शिल्पा खुशमिजाज और जिंदा दिल भी हैं, और ये वीडियो भी इसकी बानगी है। किधर है सर? क्रिकेटर शुभमन गिल के फैंस को आने वाले दिनों में उनका अलग अंदाज देखने को मिलेगा। शुभमन क्रिकेट में तो अपना हुनर दिखा ही चुके हैं, अब सिल्वर स्क्रीन पर भी कमाल दिखाने वाले हैं। खबर है कि स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स में शुभमन इंडियन स्पाइडरमैन के लिए अपनी आवाज देने जा रहे हैं। इससे जुड़ा एक वीडियो भी गिल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। अरिजीत सिंह को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि जब अरिजीत महाराष्ट्र और औरंगाबाद में लाइव परफॉर्मेंस दे रहे थे, तभी इस दौरान एक महिला फैंस ने अरिजीत का हाथ खींच लिया, जिसमें अरिजीत के हाथ में चोट लग गई। इसके बाद अरिजीत को महिला फैन को समझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ गई। बता दें, अरिजीत इन दिनों एक नेशनल टूर पर है। इस दौरे में वो पहले ही दिल्ली, कोलकाता और अहमदाबाद में परफॉर्म कर चुके हैं। द केरल स्टोरी बॉक्स ऑफिस पर लगातार धमाल मचा रही है। फिल्म जल्द ही 50 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली है। वहीं ऐश्वर्या राय स्टारर पुनियन सेल्वन 2 का बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार बिजनेस जारी है। ये फिल्म 300 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है। तो सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने 18 दिनों में करीब 109 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है।
और चलिए अब रुक करते हैं और आपको दिखाते हैं देश की सबसे बड़ी खबर। जी हाँ, टाइम्स ऑन अ भारत के शीश महल, ऑपरेशन शीश महल के खुलासे के बाद अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसका साइड इफेक्ट उन पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आधिकारिक आवास के रिनोवेशन में के पूरे मामले में बुरे फंसते हुए केजरीवाल नजर आ रहे हैं। अब देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केजरीवाल से जवाब मांगा है इस पूरे मामले को लेकर के। जवाब इसलिए मांगा गया है क्योंकि रिनोवेशन के नाम पर न सिर्फ बेहिसाब पैसे खर्च किए गए, बल्कि जैसा कि टाइम्स ऑन भारत ने पहले ही दिखाया था, पेड़ों को भी कटवाया गया था। टाइम्स नाउ नव भारत के ऑपरेशन शीश महल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए जी का जंजाल बन गया है। सीएम आवास बनाने में हुए पर्यावरण नियमों की अनदेखी की जांच के लिए एनजीटी ने एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी पर्यावरण और वन से जुड़े प्रिंसिपल सेक्रेटरी, दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन के प्रतिनिधि, नॉर्थ दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को शामिल किया गया है। ट्रिब्यूनल ने कमेटी को एक हफ्ते में मीटिंग कर 3 हफ्ते के अंदर स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है। खास बात यह है कि कमेटी चाहे तो वो बंगले का मुआयना और संबंधित विभाग से बातचीत कर रिपोर्ट तैयार कर सकती है। अब अगली सुनवाई 31 मई को होगी। बता दें कि टाइम्स नाउ नव भारत के ऑपरेशन शीश महल के खुलासे के बाद से दिल्ली के सीएम केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन के काम के दौरान पर्यावरण के नियमों की अनदेखी का आरोप लगा था। इस आरोप के बाद एनजीटी में याचिका दाखिल की गई थी। इसी याचिका पर एनजीटी ने एक्शन लिया है। एनजीटी ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर इन आरोपों पर जवाब मांगा है। इस बीच कांग्रेस नेता अजय माकन की शिकायत पर दिल्ली एलजी वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव से 7 दिनों के भीतर विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। शीश महल के तहत जो तमाम खुलासे हमने किए उसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है, और वहीं दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी मुश्किलों में घिरे हुए हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया की जो न्यायिक हिरासत है वो 23 मई तक के बाद बढ़ाने के बाद आज राउस रेवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया के खिलाफ सुनवाई होने वाली, यानी कि आज का दिन भी काफी अहम है। दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ दायर की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर राउस एवेन्यू कोर्ट आज सुनवाई करेगा। आबकारी घोटाला मामले में ईडी की ये चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करते हुए ईडी ने कोर्ट को बताया था कि आबकारी घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया आरोपी संख्या 29 है। इस मामले में ईडी ने 2100 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। इसके साथ ही मनीष सिसोदिया की एक याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में भी सुनवाई है। आबकारी घोटाला मामले में सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में एएसजी ने कोर्ट को बताया था कि 5% से 12% का बदलाव रिश्वत पाने के लिए किया गया था। तो राजधानी दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल के लिए, उनकी पार्टी के लिए मुश्किल भरे दिन नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर कलह चल रही है वो अब सड़क पर एक बार फिर से आ चुकी है, क्योंकि सचिन पायलट ने अब साफ साफ कह दिया है कि अब मुझे अपनी सरकार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, मैंने बहुत वक्त इंतजार किया। और गहलोत सरकार के खिलाफ अब सचिन पायलट एक पदयात्रा भी निकालने जा रहे हैं, करप्शन को लेकर के वो जबरदस्त नाराज चल रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस में हालात बेहद खराब हैं। सचिन पायलट ने एक बार फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने गहलोत के आरोपों पर मंगलवार को जवाब दिया और उन्हें कटघरे में खड़ा किया। सामान्य मुख्यमंत्री जी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हमने लगाए, अशोक गहलोत जी ने लगाए, मैंने लगाए, मंचों पर लगाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाए, उनकी जांच क्यों नहीं हो पा रही थी? अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये जांच अब तक क्यों नहीं हुई मेरे चिट्ठियां लिखने के बावजूद। शाह से पैसे लेने के गहलोत के आरोपों पर भी सचिन पायलट ने जोरदार पलटवार किया और कहा कि अगर पब्लिक लाइफ में किसी के पास कोई तथ्य प्रमाण है तो कार्रवाई कर देनी चाहिए थी, अब तक वो क्यों नहीं की गई? जिन लोगों का पूरा राजनीतिक जीवन सिर्फ पैसे के दम पर पनपा हो, शायद उनको हर चीज में पैसा नोट दिखाई देता है। ऐसा नहीं है, पब्लिक जज्बात भी कुछ होते हैं, पब्लिक वोट भी कुछ होती है, पब्लिक इमेज भी कुछ होती है। जिन लोगों की राजनीति सिर्फ पैसे के दम पर चलती आई हो, उनको हर चीज में अगर पैसा दिखता है, उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है।
और राजस्थान की बात, चलिए आगे बढ़ते हुए बात बिहार की कर लेते हैं, क्योंकि बागेश्वर धाम की सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बिहार जाने वाले हैं और उसको लेकर के तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। जी हां, धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के एक विवादित बयान तेज प्रताप की तरफ से आया है। उन्होंने देशद्रोही तक कह दिया और कहा कि बाबा के जितने भी समर्थक हैं, बाबा के जो लोग हैं, वो उनसे लगातार माफी मांगने के लिए तेज प्रताप के घर आ रहे हैं। तो सुना आपने, नीतीश सरकार में मंत्री और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को उन्होंने एक बार फिर धीरेन्द्र शास्त्री पर हमला बोला है। बता दें कि बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री राजधानी पटना से सटे नौबतपुर में इसी 15 मई से हनुमंत चर्चा करेंगे। ये यहाँ भक्तों के मन की बात बताने के लिए अपना दिव्य दरबार भी लगाने वाले हैं। लेकिन उनके इस दरबार से पहले ही बिहार की राजनीति गर्म है। तेज प्रताप यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री पर न केवल पुरजोर निशाना साधा बल्कि देशद्रोही तक बता दिया।